जो जो हमारे पास इससे पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने इंडिटर्मिनेट फॉर्म की दो फॉर्म सोल्व करी, एक तो हमारे पास 0/0 और एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये तो हमने इसके क्वेश्चन को सोल्व कर दी। अब जो नेक्स्ट मान लो हम ये क्वेश्चन इस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, 0 × इन्फिनिटी। क्या हमारे पास 0 × इन्फिनिटी? तो अब इस फॉर्म को आप किस तरीके सोल्व करोगे? मान लो लेट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या 0, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी एक्स, ये आपके पास इन्फिनिटी। ठीक, तो ये इस टाइप की कुछ फॉर्म है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ लिमिट दोनों को एक साथ लो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स जी एक्स, तो इसके ऊपर अलग से लिमिट लगाऊंगा क्या होगा 0, और इसके ऊपर लिमिट लगाऊंगा तो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म होगी। क्या होगी हमारे पास 0 × इन्फिनिटी फॉर्म। अब ये चीज़ सोल्व करने के लिए आप इसको किस तरीके सोल्व करोगे? दो तरीके हैं आपके पास लिखने के, या तो यूँ लिख दो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स जी एक्स को तो रखो आप एफ एक्स, मान लो ये रख लिया आपने एफ एक्स और डिवाइडेड बाय 1/gx, तो इस फॉर्म में लिख दो। और इस फॉर्म में अगर लिख दूँ तो मैं ये भी लिमिट दोनों पे अलग अलग कर दूँ, मान लो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स, और नीचे क्या होता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए 1/gx, तो ये लिमिट कितना हो गया हमारे पास 0, और ये कितना हो गया हमारे पास इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होगा 0। तो क्या फॉर्म बन गया आपके पास 0/0 फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट होगी। या फिर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, अब की बार क्या करो जी एक्स को तो रखो एज इट इज, इसका दूसरे वाले का रेसिप्रोकल करके डिवाइड में लिख दो इसकी 1/fx। अब लिमिट आपका सेपरेट हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी एक्स, और ये क्या होता है हमारे पास 1/ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए और एफ एक्स, तो ये हमारे पास लिमिट पहले से कितना हमारे पास ये इन्फिनिटी आएगी लिमिट इन्फिनिटी। ठीक, और ये कितना आएगी 0, तो 1/0 कितना बनेगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो दोनों ही सिचुएशन में ये कौन सी फॉर्म बनेगी हमारे पास, या तो 0/0 फॉर्म बनेगी या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। और 0/0 फॉर्म बन जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, फिर हम किससे सोल्व कर देंगे इसको? एल एच रूल से, यानी एल हॉस्पिटल रूल से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो हमारा इन क्वेश्चनों को सबसे पहले टारगेट ये, या तो आप इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब करना क्या आपने इसके अंदर, बस जस्ट ये दो फंक्शन हमारे पास, एक एफ और एक जी, इनमें से किसी एक को पकड़ो और उसका रेसिप्रोकल करके दूसरे के डिवाइड में कर दो। यानी एफ एक्स पकड़ा तो आपने 1/fx को किसके डिवाइड में लिख दो जी एक्स के, जी एक्स को लो तो एफ एक्स के डिवाइड में लिख दो 1/gx, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगी कन्वर्ट, और फिर आप इनको एल्ज हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर दो। तो चलो इसके अंदर ये एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। तो क्या एग्जांपल है हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट, तो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या क्वेश्चन हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स टाइम लॉग एक्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स लॉग ऑफ एक्स, रखो इसके अंदर एक मिनट लिमिट सब्सटीट्यूट करके देखो तो 0 0 लॉग 0 क्या होगा इन्फिनिटी, तो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। अब लॉग 0 वैसे तो माइनस इन्फिनिटी है, अब वो तो माइनस माइनस को आप यहाँ पर लिख दो तो माइनस 0 और प्लस 0 दोनों सेम ही चीज़ है, तो क्या बनेगा 0 × इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है भाई, तो अब मैंने इसको ये मान लो तुम्हारे पास एफ एक्स है, और ये हमारे पास क्या है एक मिनट इसको मान लो, फिर इसको क्या मान लो जी, एक को रेसिप्रोकल करके दूसरे के डिवाइड में लिख दो तो क्या होगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ ऊपर तो हमारे पास क्या रख लो मान लो जी एक्स को रख लो एज इट इज, और इसका रेसिप्रोकल करके डिवाइड में लिख दो तो ये हो गया। अब रखोगे तो लॉग 0 तो हमारे पास क्या इन्फिनिटी, ठीक है भाई, और 1/0 भी क्या आएगा इन्फिनिटी, तो क्या फॉर्म बनेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी हमारे पास। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो क्या अप्लाई करोगे, अप्लाइंग एल एच रूल, तो क्या होगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 तो इसका डेरिवेटिव करो लोग एक्स का 1/x, नीचे वाले करो माइनस के 1/x², तो ये क्या होगा तुम्हारे पास अगर इसको सोल्व करो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 तो माइनस को मान लो बाहर ले आओ तो ये पलट के क्या होगा 1/x × x², एक एक्स एक्स कैंसिल, एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 0। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 0। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड देखो इसके अंदर क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास उसके अंदर क्या लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी
क्या लिमिट इसके अंदर, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर x इंटू साइन ए बाई एक्स। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर x साइन ए बाई 2 रेज टू द पावर x, ये तो रखो 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो a कोई फाइनाइट नंबर, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो कोई फाइनाइट नंबर बाई इन्फिनिटी जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, तो क्या बन गया हमारे पास जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है भाई, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर मैं यूँ लिख दूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन ए बाई टू की पावर एक्स, और इसको लिख दूँ मैं वन बाय में टू की पावर एक्स, लिख दो मल्टीप्लाई करके। अब मैंने एक दिन आपको एक रिजल्ट बताया था, पहले मान लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है हमारे पास वन, लिमिट आपके ये दोनों एंगल सेम हो और ये चीज़ आपकी जीरो को अप्रोच करती हो लिमिट लगाने के बाद, तो आंसर कितना आएगा वन। ठीक है, यहाँ पर क्या है इसका कोई फंडा नहीं, तो अब मैं साइन का एंगल और ये नीचे वाली चीज़ सेम बनाना चाह रहा हूँ, तो इसके अंदर किस चीज़ की कमी, बस ए की कमी, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ए से डिवाइड। ठीक है भाई, तो ये एंगल दोनों का क्या हो गया सेम हो गया, अब लिमिट लगाओ, तो ये तो कोई फाइनाइट नंबर है, 2 की पावर इन्फिनिटी एक्स इन्फिनिटी अप्रोच करो 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ए बाई इन्फिनिटी जीरो, और ये भी चीज़ क्या बन गई ए बाई इन्फिनिटी जीरो। तो ये जो पूरी पूरी क्वांटिटी है ये, इसको यूँ लिख दो ए को आप बाहर ले आओ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन ए बाई 2 की पावर एक्स ए बाई 2 की पावर एक्स, तो ये क्वांटिटी हमारे पास कितना बन गई वन, तो ए इंटू वन, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास ए। तो इसके अंदर हमने इस रूल, अब इसके अंदर ये चीज़ें भी है, क्या एक्स ऊपर हो या नीचे कोई रोल नहीं है, तो आपके पास ये सेम होने चाहिए, और ये लिमिट लगाने के बाद जीरो को प्रोस करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास वन। तो अब जो इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारे पास इसके अंदर, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एक्स टाइम ऑफ लॉग टेंजेंट एक्स, तो क्या स्टेटमेंट इसकी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एक्स लॉग टेंजेंट एक्स, ये तो एक तो फंक्शन ये होगा हमारे पास और एक ये होगा, तो एक्स को जीरो रखें तो जीरो टेन जीरो जीरो लॉग जीरो इन्फिनिटी, तो क्या बन गया जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म ये हमारे पास बन गई। ठीक है भाई, अब करो चलो इसको सोल्व, तो लिमिट एक्स पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, किस फॉर्म में लिखोगे, मान लो अगर आप इसको लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स और वन बाई एक्स ये लिख लो, ये लिखें तो अब टेन जीरो जीरो लॉग जीरो इन्फिनिटी और वन बाई जीरो भी क्या आएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो अब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हो, अप्लाइंग एल एच रूल, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो इसका आप ऊपर वाले का करोगे तो टेन का करोगे तो लॉग का करोगे वन बाई टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट का करोगे तो क्या होगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स, और वन बाई एक्स का करोगे तो माइनस के वन बाई एक्स स्क्वेयर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो साइन को टेंजेंट को लिख देंगे साइन बाय कोस, क्या लिख लो इसको साइन बाय कोस, साइन एक्स और कोस एक्स पलट के आपका ऊपर चलेगा तो ये हो गया, इसको क्या लिख दो वन बाय कोस स्क्वेयर, क्या लिख दो वन बाय कोस स्क्वेयर, वन बाय कोस स्क्वेयर एक्स, एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, तो क्या बच गया हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स, तो क्या बच गया साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास वन बाई साइन एक्स कोस एक्स, तो ये माइनस, तो एक्स स्क्वेयर पलट के ऊपर चलेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, इस एक्स स्क्वेयर को क्या लिख दो एक्स इंटू एक्स, और लिमिट हमारे पास क्या लगेगी इसके अंदर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो ये टर्म तो हमारे पास कितना बनेगी वन, क्या बन गया हमारे पास टर्म ये वन। ठीक है भाई, ये वन बन गई, कोस जीरो कितना बना वन, और एक्स को जीरो रखो तो जीरो, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास ये जीरो, तो ये इसका क्या होगा हमारे पास आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका जीरो। तो यहाँ तक ये हमने दूसरी तीसरी फॉर्म इसके अंदर की जीरो इंटू इन्फिनिटी, तो जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये तीन फॉर्म हमने इसके अंदर कर दी। अगर कोई भी चीज़ इसके अंदर आपको पसंद ना समझ में आई तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हो, तो ये क्वेश्चन आप बुक के अंदर से भी ट्राई कर सकते हो,